अपराध होने पर खाकी ही याद आती है, लेकिन जब खाकी ही अपराध करने लगे तो किसे याद करें और किसके पास जाकर इंसाफ मांगे, ये सवाल आपके जहन में जरूर उठेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूँ आपके साथ दीपिका पांडे। देश में यूपी पुलिस के काम की हर तरफ तारीफ होती है। यूपी पुलिस के काम को देखकर अन्य राज्यों की पुलिस भी यूपी पुलिस की मदद करती है, लेकिन पिछले कई दिनों से यूपी पुलिस पर न सिर्फ सवाल उठ रहे हैं बल्कि यूपी पुलिस आरोपों के घेरे में घिरती चली जा रही है। लेकिन गाजियाबाद के कविनगर इलाके से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनने के बाद तो हर किसी का पुलिस से भरोसा ही उठ जाएगा। जी हाँ, मामला ही इतना गंभीर है। जानकारी के मुताबिक डीसीपी ग्रामीण के ऑफिस में तैनात एक दरोगा पर एक कवयित्री के साथ न सिर्फ रेप करने का आरोप लगा है बल्कि गोली खिलाकर उसका गर्भपात भी कराया गया है। पीड़िता के मुताबिक दरोगा से उसकी मुलाकात करीब 9 महीने पहले डासना बैरियर पर हुई थी। उसके बाद दरोगा का उसके घर पर भी आना जाना शुरू हो गया। इसी बीच आरोपी दरोगा ने चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और फिर रेप किया। महिला के मुताबिक विरोध करने पर दरोगा ने शादी का झांसा दिया और मुंह खोलने पर जान से मारने की भी धमकी दी। हैरानी की बात तो यह है कि इस दौरान पीड़िता कई बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन दरोगा हर बार उसका गर्भपात करवा देता था। लेकिन दरोगा की हरकतों से परेशान होकर आखिरकार महिला ने पुलिस में जाकर आरोपी की पोल खोल दी, जिस पर अब पुलिस कमिश्नर के आदेश पर कविनगर कोतवाली पुलिस ने दरोगा के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दरोगा ने महिला से एक नहीं कई बार रेप किया बल्कि धमकाता भी रहा, लेकिन अब दरोगा की हकीकत सबके सामने आ चुकी है और अब पुलिस दरोगा पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज यूपी उत्तराखंड। नमस्कार, वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।